86,003 किलोमीटर चली है। तो 18 किलोमीटर की पूरी गाड़ी चला के लेके आया, 21 हो रही है। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे फ्लश। चलाया इसलिए है क्योंकि इंजन फ्लश जब भी करते हैं चला के ही करते हैं, तो मैं पूरा प्रोसीजर जो होता है वो पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करने वाला हूँ। तो भैया आप सभी को पहले दिन से राम राम। मैं मुकेश चंद्र गौड़ नोएडा भारत से। और थोड़ा सा और पास में आ जाओ। ये इंजन है, 7 दिन से खड़ी थी, मैंने फाइनली इसको दूसरी बैटरी लगा के स्टार्ट करी, गाड़ी का रन किया, 18 किलोमीटर गाड़ी चलाई है पूरी। अब उसके बाद से ये टॉपिक जो वीडियो का टॉपिक है ये समझ लीजिए। पहले इंजन फ्लश करेंगे, और इंजन फ्लश का नाम बतेरा सुना होगा, 2-3 सर्विस बाद इंजन फ्लश भी करते हैं। कैसे है? लेकिन इंजन फ्लश से कितना हमारे इंजन को फायदा है, कितना अंदर क्लीन करता है, ये सारी चीज इंजन खोल के देखेंगे। और इंजन फ्लश कौन सी कंपनी का बेटर रहेगा, तो मैंने 3M एब्रो जो बेस्ट मानता हूँ उसको कर दिया साइड में। लिक्वी मोली का बड़ा नाम सुना था, ये लिक्वी मोली देख सकते हैं, लिक्वी मोली का इंजन फ्लश, इसका बड़ा नाम सुना था और काफ़ी लोगों ने इसका अच्छा सा दिखाया भी है। तो मैं भी इसको चेक करने वाला हूँ कि फाइनली ये कितना कारगर है, कितना काम करता है, टोटली इसी इंजन पे करने वाला हूँ और इंजन खोल के भी देखेंगे। तो पहले प्रोसीजर समझ लीजिए कि प्रोसीजर होता कैसे। अभी आप पास में आओ थोड़ा। अभी आप देख सकते हैं इंजन है, अभी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इंजन कितना हीट है। ठीक है, और रखो इसे। अब हम इस फ्लश से इंजन फ्लश करेंगे और प्रोसीजर समझ लीजिए फ्लश होता कैसे है, वो भी प्रोसीजर बताऊंगा। और फिर खोल के देखेंगे इंजन को कि कितना कारगर है ये फ्लश, क्या काम करता है कि नहीं करता है, क्या कंडीशन है इंजन के अंदर। क्योंकि इसका इंजन मैं खोलने वाला हूँ, किसी और रीजन से इंजन खोलने वाला हूँ, लेकिन इस पर हम रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो नए इंजनों पर रिसर्च इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो उल्लूगर्दी हो जाएगी। और पुराने जिसका इंजन खोलना होता है उस पर रिसर्च करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आइए पास में। और ये है पूरा सील पैक है, ये पास में दिखाओ, पूरा सील पैक है, देख सकते हैं। अब मैं इसको कीप लेके आओ जरा। आपके सामने, ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कीप लेके आओ ऑयल वाली। हाँ, इधर दिखाओ। वीडियो को काटना मत। ताकि कोई एडिटिंग इसमें नहीं होगी, कटिंग नहीं होगी, टोटली दिखाया जाएगा कि ये सारे मैंने इंजन फ्लश इसमें सेल आउट कर दिया, डाल दिया। ठीक है, अब इसको देखेंगे कि कितना काम करता है इंजन। ठीक है, अभी देख सकते हैं पूरा मैंने डाल दिया अंदर में। इसको करो उस लिक्वी मोली को साइड में। तो इसको आइडल पे स्टार्ट रहने देंगे। अभी गाड़ी स्टार्ट करके 5 मिनट कम से कम। तो मेरा ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये नॉर्मल वीडियो है, अपने खुद का बना रहा हूँ, कोई स्पॉन्सर नहीं है, किसी कंपनी का नाम नहीं है। ठीक है, स्पॉन्सर मेरे पास बतेरा वीडियो आता रहता, बहुत सारे स्पॉन्सर आते रहते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। मेरे को हफ्ते में 2 या 3 स्पॉन्सर आते हैं, लेकिन कभी इस चैनल पर स्पॉन्सर दिखाता नहीं। ये चीज़ की मेरी खुद की खासियत है, क्योंकि स्पॉन्सर में बनने पड़ते हैं झूठ, और अपने को पसंद नहीं है झूठ। ठीक है, तो ओरिजिनल चीज़ आपको दिखाई जाएगी। अभी थोड़ा देर और स्टार्ट करके रखूँ। खोलो जरा, देखेगी क्या कहानी है, क्या कारगर है। घुमा तो रहा है, प्लस घुमा रहा है, काम तो कर रहा है, पर कितना काम कर रहा है इंजन खोलने के बाद ही पता पड़ेगी। बंद करो इसे। 5 मिनट आइडल पे स्टार्ट करके रखना होता है, लेकिन मैं पूरे 10 मिनट मेरे को हो गया आइडल पे स्टार्ट करके रखे हुए, ताकि कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए, क्लियरिटी पूरी रहनी चाहिए। 10 मिनट प्रॉपर हो गए। इंजन को बंद कर दो भाई, चलो इंजन को बंद कर दो। इंजन बंद हो गया। अब ऑयल खुलवाता हूँ पहले, फिर इंजन बखेरते हैं पहले, और एक एक चीज़ देखेंगे कि कितना कारगर है ये फ्लश। इसी तसले में मैं इंजन ऑयल निकालने वाला हूँ, और देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन कर रखा है, कोई कचरा नहीं है इसके अंदर। पेट्रोल गाड़ी में डीजल गाड़ी का ऑयल गिर रहा है, डीजल गाड़ी का वो ना काला हो गया ये, बोल दीजिए ये काला हो गया, क्योंकि इतना काला होता नहीं है, पर हमें तो पार्ट देखने हैं ना, इतना काला कैसे हुआ। भाई झाग तो बहुत आया पर पता नहीं क्या धमाल मचाया है। इसको डालो जरा, तसले में डालो। जाके जाए, ऐसा कोई वो तो कचरा नहीं है इसके अंदर। चलो देखते हैं पार्टों के अंदर की क्या कंडीशन है। इंजन अभी उतरवा रहे हैं, देखते हैं क्या कहानी है, एक एक चीज खोलेंगे। तो फाइनली हमने इंजन को उतार दिया। बिल्कुल दिखाओ दिखाओ, पलटो पलटो पलटो, इधर दिखाओ कवर पहले। काम तो किया है, चमका दिया है। काम तो किया है, पर ज्यादा तारीफ भी ठीक ना। अंदर की कंडीशन क्या है वो देखना पड़ेगा पहले। यहाँ से तो ऊपर से लग रही है। हमें कोई भी कचरा चिपक के नहीं रहना चाहिए पार्टों पे, जैसे चिपक के रहता ना वो चिपक के नहीं रहना चाहिए। तो लग तो रहा है कि कुछ है, कमाल किया है। पर चलो खोलो इसे। खैर प्रॉब्लम तो कुछ और थी, उस प्रॉब्लम के लिए मैं इंजन खोल रहा था, पर कोई नहीं। रिसर्च जरूरी है, किसी को हम बताएं और उसके बारे में मालूम ना हो वो बड़ा दिक्कत की बात है। इसलिए खुद को रिसर्च करके तब बताना, लोगों को रिक्वायर करना कि हाँ ऑयल फ्लश कराएं नहीं कराएं, तो ज़्यादा बेनिफिट का सौदा रहता है। तो अभी तो पेट्रोल गाड़ी पे रिसर्च चल रहा है, नेक्स्ट टाइम हो सकता है डीजल गाड़ी पे रिसर्च करो, चाहे डस्टर पे कर लो या फिर टोयोटा की इनोवा पे कर लो। वो देखो पेट्रोल गाड़ी पे तो रिसर्च हो गया, अब किसी बड़ी डीजल गाड़ी पे रिसर्च करने वाला हूँ मैं। ठीक है, गाड़ियाँ तो बतेरी लग रही हैं, देख ही सकते हैं, इंजन ही इंजन, हेड ही हेड है। तो डीजल पे भी जरूर रिसर्च करेंगे। खोलो जरा हेड को, देखें हेड के अंदर की क्या कंडीशन है। छोड़ दे। और ये चूंकि अभी बाहर निकाले हैं ये, तो यहाँ से तो खैर अभी लग रहा है यार, पहाड़ों पे देख के तो लग रहा है यार, हाँ यार कुछ काम तो किया है। अभी देख सकते हैं ब्लॉक रह गया है, हेड उतार दिया हमने, हेड उतारे हैं। अब हम बात कहाँ से करेंगे? सबसे पहले देखिए ऑयल फ्लश के बारे में मैं आपको अभी डिटेल में बता रहा हूँ। ये देख रहे हैं चिकना कर दिया, यहाँ चिकना होना चाहिए, ये बिल्कुल चमकना चाहिए। ये चीज़ें चमक रही है हमारी, ये लाइनें बिल्कुल चमकना चाहिए, और ये लाइनें बस चमकनी चाहिए। ये चमक रही है ये चीज़ें, ठीक है। ये लाइन हो गया, ये वाली लाइनें, ये लाइनें चमकनी चाहिए, बिल्कुल चमक रही है। तो अभी तो फिलहाल इसकी ठीक है, काम करा है इसने जितना करना चाहिए। कोई लेयर तो नहीं दिख रही है मुझे जो लेयर जमा हुआ हो इसमें, तो सबसे पहले ये चीज़ें मैंने चेक किया, लेयर नहीं जमा हुआ है। दूसरी चीज़ ये है स्टेनर, तो चूंकि इसका स्टेनर ओपन है और किसी किसी गाड़ियों में बंद स्टेनर रहता है, इतना दिखता है बस, अब पूरा बंद रहता है। तो अभी देख सकते हैं ये भी, ये कचरा भी इस पर आया हुआ है स्टेनर पे, क्योंकि यहीं से तेल उठाता है, तो यहाँ से भी क्लीनिंग है बढ़िया। और वो लेयर दिख नहीं रही है जो लेयर होना चाहिए, और 80,000 चूंकि चल चुकी है इंजन है, तो खोलो भाई इसे, पिस्टन को निकालो। स्टेनर के दोनों बोल्ट खोल दिए हैं। ओए होए 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 होए, हाँ ठीक है यार, और क्या लोगे यार, ठीक है अपने हिसाब से तो ठीक ही काम कर रहा है, चमक रहे हैं पार्ट अंदर से। तो है अच्छा, हाँ पिस्टनों में तो ऑयल भर रहा है। चलो इसे निकालो एक एक को। ये है इसका ऑयल पंप, और ऑयल पंप में मैं लेयर ढूंढ रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। लेयर मिल नहीं रही है, ये लेयर देख सकते हैं आप, अभी मिली है मेरे को, ये देख सकते हैं ये लेयर है। तो चूंकि जहाँ ऑयल जाएगा वहीं क्लीन करेगा ये, तो ये जो लेयर है ना ये चिकट, इसको ये बस मैं चाहता हूँ इंजन प्लस ये करे, बस ये चिकट को हटाए। और चूंकि ऐसे चिकट नालियों में रहते हैं, पर इतना कामयाब नहीं है, पर यह है कि काफ़ी हद तक इसने अपना काम किया हुआ है जो काम करना चाहिए। अभी मैं दिखाता हूँ इसे, ये देखो। तो ऑयल फ्लश जहाँ ऑयल जाएगा वहीं क्लीन करेगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। कभी आप सोचोगे पिस्टन का टापा क्लीन करेगा या वाल क्लीन करेगा, तो ऐसा नहीं है, जहाँ ऑयल घूमेगा वहाँ क्लीन करेगा। लेकिन कितना हद तक क्लीन करेगा अभी मैं प्रोसेस और कंप्लीट कर लूँ। खुलवा लूँ तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ क्या कहानी होनी चाहिए। अभी इंजन को मैंने खोल लिए, सारे देख सकते हैं, सारा पुर्जा बखेर लिया टोटल A to Z उधर से लेकर इधर ही तक, और रखा सारा इधर ही है। अब इंजन प्लस का काम सिर्फ इंजन ऑयल से रिलेटेड है, यानी इंजन ऑयल जहाँ जहाँ घूमेगा उस हिस्से के जो लेयर बने हुए लेयर होते हैं उस लेयर को काटता है। अब चूँकि ये बैरिंगों पे आता है इसलिए हम बैरिंग को भी चेक करेंगे कि बैरिंग को कोई डैमेज तो नहीं किया है इसने, तो ऐसा कोई चक्कर है नहीं। चूँकि ये बैरिंग होते हैं इनको भी चेक करना होता है कि ये बैरिंग को डैमेज तो नहीं किया है, ऐसा कोई चक्कर मेरे को दिख नहीं रहा है, बिल्कुल सेट है, बिल्कुल सेट है। एक बार के कपड़े मारने पे साफ हो जा रहा है। क्लीनिंग का प्रोसेस क्या है, जो नालियां हैं इसकी लाइनें हैं जहाँ ऑयल घूमता है ये अच्छे से क्लीन होना चाहिए, इसको क्लियर करो जरा, ये अंदर बीच वाली। हाँ, सिर्फ पार्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे तो भी होगा। ये जो लाइनें हैं ये बढ़िया क्लीन हुई पड़ी हैं, और इसी की क्लीनिंग से मतलब होता है। जो लाइनें हैं ये ऑयल की लाइनें हैं, ये बैरिंगों को ऑयल देने का काम करता है ये लाइन, और इस लाइन में भी कचरा नहीं है सबसे पहले ये चीज़ें तो ठीक है। और इधर दिखाओ, और रोको मत जरा, इधर दिखाओ जरा, ये लेयर देखो, इस पर लेयर तो ना जम रहा है। लेयर नहीं है, देखो लिखा हुआ साफ साफ दिख रहा है, ये चूंकि कंपनी से लिखा हुआ आया है। इधर देखो ये पेंट लगा हुआ कंपनी से आया, तो लेयर इस पे जमा नहीं है, लेयर जमा भी होगा तो इसको कटिंग करा है इसने। तो अब मेरे को ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ना सही है, कहीं से भी मेरे को लेयर नहीं है यार, ठीक है। अभी पिस्टन, ये पिस्टन है, क्योंकि इसके ऊपर ऑयल नहीं आता इसलिए इसका साफ करने का तो कोई मैटर है ही नहीं, क्योंकि पिस्टन के ऊपर सिर्फ हवा और क्या बोलते हैं स्पार्क आता है, तेल आता है, बस फ्यूल पेट्रोल या डीजल जो भी हो। तो इस पे साफ करने का तो मतलब नहीं, क्योंकि ऑयल चलता है इसके नीचे नीचे, यहाँ ऑयल इस पे आता नहीं है, तो इसलिए इसका साफ करने का कोई लॉजिक नहीं है। ऑयल एक पिस्टनों के अंदर यहाँ भी जाता है, मैं लेयर ढूंढ रहा हूँ कि कहीं लेयर मिले, पर ठीक है, अच्छा है। ये भी ठीक है, बढ़िया है, सबका वही हाल है, साफ है, कोई एक खास सा लेयर जो होता है वो नहीं है, बच रहा है। कहीं मुझे इसकी पपड़ी नहीं मिल पा रही है ऑयल की, या कहीं जमा हुआ, जहाँ जहाँ गया है उनने अपना काम करा है, ये ठीक है। हेड लेके आओ, अब ऑयल है, सारा ऑयल गया हुआ है, घुमा है सारा ऑयल। अब हम हल्का सा सिंपल एक कपड़ा बिना तेल के, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बिना तेल के क्या क्लीनिंग हो रही है, तो ठीक है। एक ही नहीं, मैं सारे चेक करूँगा, तो इससे पता पड़ता है कि ठीक है यार, थोड़ा बहुत तो काम कर रहा है। हम 100% नहीं दे सकते इसको, लेकिन ये है कि हाँ जितना होना चाहिए कर रहा है। बैरिंग को कितने बैरिंग को डैमेज किया है ये चीज़ है, चेक कर लेते हैं। ये चूँकि केम का बैरिंग होता है, और ये प्रोसेस ठीक है। अब देखो मेन कहानी, मैं जिसकी उम्मीद लगाए बैठा था कि ये चीज़ें साफ करेगा, क्योंकि ये ऑयल में डूबा रहता है। अब आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ें इन्होंने साफ नहीं किया। दिखाओ ज़रा, ये देखो, ये चूँकि ऑयल में डूबा रहता है, और ये देखो ये लेयर है, देख सकते हैं आप। अब ऑयल पे यहाँ पे हलचल होता है ऑयलों का, सही बता रहे हैं, और जब समझो कि जब ऑयल का हलचल नहीं होगा तो ये ऑयल जमेगा नहीं, इस पे आप समझ सकते हैं, यानी ऑयल इस पे आता है ऑयल जमता है। बस इसी चीज़ को साफ नहीं किया क्योंकि ये हीटअप होता है, हीटअप होगा तो ज़्यादा। ये देखो थोड़ा सा डीजल मेरे को ला के दो भाई, थोड़ा सा डीजल लाओ। बस ये है, थोड़ा इफेक्ट किया है, जितना रेट है उतने हिसाब से ठीक काम किया है, बढ़िया। ले आओ भाई धोती दो दूसरा 10% उस्ताद जी। हाँ नहीं, काम किया इसने, 50% अपना दिया है, लेकिन जो 100% देना चाहिए वो 100% नहीं दिया। देख सकते हैं ऑयल का है, ये देख रहे हैं ना। तो अभी मैंने एक पीस क्लियर किया है, पास में लेके आओ। एक पीस मैंने क्लियर किया है और देख सकते हैं दूसरा पीस है जो इंजन फ्लश ने अपना काम किया। और ये मैंने धोया है, इसको मैंने धोया है और ये इंजन फ्लश ने धोया है। तो जो मुझे ये उम्मीद थी चिकट की, आप देख सकते हैं जो निशान आ रहे हैं, ये मेरे अंगूठे के जो निशान आ रहे हैं ना, ये जो उम्मीद थी, मैं सोचता था कि ये क्लियर होगा। एक मिनट साइड हो जाओ, थोड़ा सा रोशनी आने, हाँ लाइट आने। तो ये चीज़ें नहीं कर पाया, यहाँ से चूक रह गई है थोड़ी सी इंजन फ्लश की। ये देख सकते हैं ये काली काली, ये तो चूंकि ये चीकट को ही हटाना होता है, सिर्फ इसी लेयर के लिए हम इंजन फ्लश करते हैं, हमारा कोई और शौक नहीं है, सिर्फ ये लेयर कटे। लेकिन ये लेयर कटाई नहीं, इसी वजह से इंजन फ्लश करते हैं, और उस लेयर कटेगा नहीं तो फिर फायदा क्या है। बाकी अदरवाइज काफ़ी अच्छा काम किया, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, हर जगह देख रहा हूँ, लेकिन सिर्फ यहाँ उसने काम नहीं किया, जो कि ये भी तेल में डूबा रहता है, तेल में रहता है, यहाँ तेल की छींटे जाती हैं क्योंकि क्रैंक चलता है। और समझ सकते हैं बिना तेल जाए हुए यहाँ जमेगा नहीं, आप इतना भी तो लॉजिक लगा सकते हैं। इनके छींटे गए होंगे यहाँ भी, इस पर भी नहीं कटा। ये जो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा होगा, हो सकता है उसकी वजह से ना ये किए होंगे। अब किधर गया, और आपको मैं दिखाता हूँ ये इंजन काले क्यों हुए हैं ज़्यादा। ये देखो इंजन ऑयल काला क्यों हुआ है, हो सकता है कि इसमें चिकट बहुत ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा हो गई हो। वीडियो देखना, आपकी बारी मत गड़बड़ कर देना। ये देखो, ये देख रहे हैं ना चिकट, ये चिकट है और यही चिकट जम जाता है, ये लेट सर्विस की वजह से ये चिकट आती है। बहुत मोटा लेयर है और ये पार्टों पे जहाँ लग गया जम गया, इसी को काटने के लिए इंजन फ्लश यूज करते हैं, सिर्फ इसको काटने के लिए। तो ये चिकट की वजह से हो सकता है कि ऑयल बहुत ज़्यादा काला हो गया हो, क्योंकि ऑयल फ्लश ने अपना काम किया, ऑयल को पूरा कचरा कर दिया, काला कर दिया। इतना काला चूँकि होता नहीं है, ठीक है। ये देख सकते हैं कितना चिकट जम रहा है इसमें, ये तो यहाँ चूंकि ऑयल चलता नहीं है इसलिए यहाँ सफाई का कोई चांस है नहीं। ये देखो देख सकते हैं यहाँ ये चिकट है, और चूंकि ऐसे ही चिकट ऑयलों में जम जाता है तो उसको सफाई की, वही ऑयल फ्लश की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ होगा नहीं। लेकिन ये इसको दावा करते हैं कि डीकार्बोनाइजेशन से ये क्लीन होता है, ये वाला वालों की सीटें पिस्टन डीकार्बोनाइजेशन से। तो मैं डीकार्बोनेशन कराऊँगा और उसके बाद से फिर उस पर रिसर्च करूंगा मैं कि कितना कारगर है डीकार्बोनाइजेशन। क्योंकि ये 83,000 किलोमीटर, मैं आपको बोलता था कि हर 20,000 या 30,000 किलोमीटर पे आप इंजन फ्लश कराइए, और यदि आपकी गाड़ी 1,00,000 किलोमीटर तक चल जाए तब इंजन फ्लश नहीं कराना चाहिए, ऐसा मैंने बोला था। इसीलिए मैंने 83,000 चली हुई गाड़ियों को चॉइस किया, वरना भतेरी गाड़ी है मेरे पास इंजन के लिए, मैं किसी गाड़ी पर भी ट्राई कर सकता था। लेकिन 83,000 पे चूंकि वो जम जाता है और उससे स्टेनर चोक होने का खतरा रहता है, ये चांस रहता है स्टेनर चोक होने का। तो खैर इसमें तो चोक हुआ नहीं, लेकिन डीजल गाड़ी में चोक होने का चांस होता है। तो सब मिला जुला के ये कहूँगा कि ये अच्छा था, प्लस ठीक था। इंजन फ्लश करना ऑप्शन ये अच्छा है, कर सकते हैं फ्लश, और करवाना भी चाहिए। इतना भी सफाई कर रहा है, इंजन का एक लेयर काट रहा है तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ तक ऑयल बहुत कम मात्रा में पहुँचता है और यहाँ ऑयल की सप्लाई होती नहीं है, लेकिन ऑयल में डूबा रहता है, इसलिए हो सकता है यहाँ चूक रह गई हो। ऑयल फ्लश वहीं काम करेगा जहाँ वो घूमेगा, जहाँ सर्कुलेट करेगा, जिस एरिया पे ऑयल जाएगा वहाँ काम करेगा। तो मेरे हिसाब से ठीक है, अपनी जगह जितने में है अच्छा काम किया, बढ़िया काम किया है और यूज करना चाहिए। आप हर 30,000 किलोमीटर या 20,000 किलोमीटर पर यूज कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपने गाड़ी सेकेंड ली है और पता नहीं है कि पीछे इंजन फ्लश हुआ है कि नहीं, गाड़ी 1,00,000 किलोमीटर चल गई है, तो सिर्फ टैपिट कवर का ढक्कन खोलना है आपको। टैपिट कवर लेके आओ जरा गाड़ी का ढक्कन खोल के, देख सकते हैं यहाँ ढक्कन पे बहुत ज़्यादा जम तो नहीं रहा है, गाढ़ सा तो नहीं बन रहा है, या फिर इसके अंदर गाद बन रही है तो नहीं करना है। यदि गाद नहीं बन रही है तो आप ऑयल फ्लश करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हर 20-30 हज़ार किलोमीटर पर ऑयल फ्लश कराइए। ऑयल फ्लश कराना अच्छी बात है, काम कर रहा है। तो हो सकता है कि एक इंजन में ये मिशन फेल भी हो सकता है, तो मैं नेक्स्ट इंजन पे एक बार और ट्राई करूंगा इंजन प्लस का, और लिक्वी मोली ही लूँगा। मेरा फेवरेट एब्रो प्रीमियम 2 है, लेकिन लिक्वी मोली लोगों के कहने पे मैंने लिक्वी मोली का लिया है कि बहुत ज़्यादा इससे बढ़िया तो कोई है ही नहीं, इतना ज़्यादा घमंड, तो फिर मैंने लिक्वी मोली का ही लिया। ठीक है, तो किसी और गाड़ी पे भी रिसर्च करेंगे, चूँकि ये पेट्रोल गाड़ी है, डीजल गाड़ी पे एक बार रिसर्च करके देखेंगे कि क्या कहानी है। ठीक है, तो ठीक है भाई, आपको कैसा लगा लाइक डिसलाइक दे के बताइए वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके, दिल से थैंक यू भाई, हर बार की तरह शुक्रिया बहुत बहुत, इतना अपने चैनल को सपोर्ट किया, थैंक यू।